गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स डे 3 एंड वी आर एट मानसरोवर नाउ। अरे जयपुर में धूप बहुत पड़ती है, खतरनाक वाली, लाइक 10 बज गए, हार्श सनलाइट। सो अभी हम निकलेंगे एंड वी आर प्लानिंग टू गो फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनली। हमने टैक्सी वगैरह आज कुछ नहीं की, आज हम मेट्रो से या रिक्शा से ही घूमेंगे ज़्यादातर। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पहले रिक्शा लेंगे, रिक्शा से जाएंगे मेट्रो स्टेशन एंड देन मेट्रो लेके हम उतरेंगे बड़ी चौपड़ एंड फ्रॉम देयर वी विल गो टू द नाहरगढ़ फोर्ट्स, द प्लान फॉर नाउ। आगे का हमको कुछ पता नहीं है, हम बस अभी जा रहे हैं, जो मिला देखने के लिए, जो करने के लिए मिला वो कर लेंगे। ये हमारे बैक साइड पे है मेट्रो स्टेशन एंड अभी बस मेट्रो पकड़नी है, अभी मानसरोवर से मेट्रो जाएगी बड़ी चौपड़। छोटी चौपड़, लाइक प्लान तो हमारा था बड़ी चौपड़ उतरने का, बट ट्रेन में उन्होंने बताया कि जंतर मंतर एनसीटी पैलेस आपको याद देखना है तो यहाँ उतर जाओ, तो दैट्स व्हाई वी विल नाउ गो टू द जंतर मंतर एंड देन सिटी पैलेस। सो एज यू कैन सी यहाँ मेट्रो स्टेशन पे क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं एंड ऑल्सो अपने सन ग्लासेस मत भूलना क्योंकि इधर बहुत धूप पड़ती है एंड मेरी तो आँखें खुलती नहीं भाई सूरज की इसमें। So yeah, sunglasses is the must thing you have. Oh, Rajmi style. So हमने अभी यहाँ पे पूछा लाइक इधर उतरने के बाद, सो दे आर सेइंग कि आप पहले सिटी पैलेस, जंतर मंतर ये सब घूम लो एंड हवा महल तो हमने देख लिया खैर, एंड देन उसके बाद आप जाइए जल महल एंड फिर नाहरगढ़ फोर्ट। सो यस, दैट्स द प्लान। अभी हम देखेंगे इस प्लान पे टिकते हैं या नहीं, दूसरा कुछ देखते हैं। पहले तो मुझे पेन ड्राइव लेना है, इस फोन की स्टोरेज खत्म हुई, सो आई विल शिफ्ट द थिंग्स फ्रॉम दिस फोन टू द पेन ड्राइव, सब डिलीट करके वापस शूट करना पड़ेगा अभी। सो बड़ी चौपड़ मेनली आता है पिंक सिटी के अंदर, ओके, एंड पिंक सिटी की बात है कि उस दुकान में वापस जाना है तो आपको उसका नंबर ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि सब दुकानें सेम है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी दुकान थी वो। सो ये अगर आपको कोई भी दुकान अच्छी लगी या फिर से आपको उधर से सामान लेना है तो यू हैव टू रिमेम्बर द नंबर। जयपुर में तो जंतर मंतर इज द मस्ट प्लेस यू कैन गो, हवा महल, जल महल आप नहीं भी गए तो चलेगा बट आप इधर जरूर आएंगे क्योंकि आपको इधर नॉलेज मिल जाएगी, नॉलेज इज द की मैन। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लाइक डिस्टर्ब कर दिया मैंने वीडियो को, बट इसके बाद हमने गाइड हायर किया एंड गाइड से परमिशन लिया एंड उधर प्रॉपर परमिशन लेके हम शूट कर सकते हैं कि नहीं इधर, एंड दे गिव अस द परमिशन एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड हमने प्रॉपर शूट किया। हमारा गाइड भी इतना सही था, उसने मस्त एकदम अच्छे से हमको बताया, बट उसमें प्रॉब्लम हो गई कि माइक जो था हमारा प्रॉपर माइक, मेरा हो एम का माइक, उसने रिकॉर्ड नहीं किया ऑडियो, लाइक आई डोंट नो द रीज़न, शायद से बंद था या कुछ था, ऑडियो रिकॉर्ड हुआ मेरे फ़ोन से तो इसमें गाइड की आवाज़ तो आ रही है लाइक उसके साथ बैकग्राउंड नॉइजेस भी है। मैंने इतने एक्साइटमेंट से शूट किया बट उसमें सब पोपट हो गया, बट ठीक है, लाइक एवरीथिंग डोंट फॉल राइट प्लेस। सो नाउ यू आर वॉचिंग जंतर मंतर का वीडियो। और इस जंतर मंत्र को हमारे जयपुर के राजा ने बनाया, जयपुर के राजा जिनका नाम था सवाई जय सिंह। राजा जय सिंह एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, टाउन प्लानर और गुड रूलर भी थे। राजा जय सिंह ने ऐसे जंतर मंत्र पूरे इंडिया में 5 जगह जंतर मंत्र बनाए। सबसे पहला जंतर मंत्र दिल्ली में बना हुआ है, सेकेंड वाराणसी, थर्ड मथुरा, फोर्थ उज्जैन और फिफ्थ जयपुर में बनाया गया। जयपुर का जंतर मंतर सबसे लास्ट में बनाया है, सबसे बड़ा बनाया है और आज भी यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट वर्किंग कंडीशन में हैं।
जंतर मीन्स इंस्ट्रूमेंट हो गया, मंत्र मीन्स कैलकुलेशन हो गया। बाकी जो चार जगह जो पहले राजा जयसिंह ने जंतर मंत्र बनाए वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वहां पे उन्होंने ट्रायल किया था और यहाँ पे उन्होंने रियल बनाया गया, और ये बनाया था 1728 में। अब हम यहाँ पे जंतर मंत्र का सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो वो घड़ी बनी हुई है सन डायल, और ये हमें टाइम बताएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। अब ये कैसे टाइम बताएगा ये हम आपको दिखा देते हैं, आइए। जंतर मंत्र का सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसका नाम है सन डायल, सन क्लॉक, ये घड़ी बनी हुई है और ये हमें टाइम बताएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। और ये कैसे टाइम बताएगा ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सनडायल बना हुआ है, बीच में दीवार बना हुआ है, इस दीवार को बोलते हैं मेरिडियन लाइन। राइट साइड में जो मार्बल दिख रहा है ये आपको इवनिंग टाइम बताएगा। अच्छा, और बीच में दीवार बना हुआ है, इस दीवार की शैडो गिरेगी मार्बल पे, और जहाँ शैडो गिरेगी वो हमें टाइम बताएगा। अच्छा, और इसकी एक्यूरेसी होगा 20 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट को 3 में डिवाइड किया हुआ है, तो 1 मिनट को 3 में डिवाइड करोगे तो ईच वन पार्ट हो गया 20 सेकंड, तो एवरी 20 सेकंड में इस दीवार की जो शैडो है वो आपको चलता हुआ दिखेगा। बट ये घड़ी हमें जो टाइम बताएगी ये जयपुर का टाइम होगा, दिस इज अ लोकल टाइम, बट अपने जो घड़ियों का जो टाइम है ये IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया के टाइम में और जयपुर के टाइम में क्या होगा, डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस एवरीडे चेंज होता रहता है। वहाँ पे आज का डिफरेंस लिखा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे तो अपना इंडिया का टाइम आ जाएगा। अच्छा, तो हम पहले जयपुर का टाइम देखते हैं और वो कैसे देखेंगे, आइए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको शैडो नजर आ रही होगी, और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है 1 o'clock, यानी 1 बज गया, फिर ये 5 मिनट है यानी 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 मिनट, ये घड़ी हमें टाइम बता रही है 1:50, ये जयपुर का टाइम है। अब इंडिया का टाइम करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है आज का डिफरेंस, और ये है 32 मिनट, 32 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो फिर इंडिया का टाइम आ जाएगा। अच्छा, तो 50 प्लस 32, हाँ, तो कितना हो गया आपकी घड़ी का टाइम, फिर 2:22, 2:22, हाँ, ये देखिए 2:22 घड़ी का टाइम हो रहा है। ठीक है, और ये रात को काम करेगा, रात को आठ बजे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से आप सीधा स्ट्रेट आकाश में देखेंगे ना ऐसे बैठकर, तो ये आपको क्या दिखाएगा, पोल स्टार। अच्छा, यानी ध्रुव तारा। तो रात को यंत्र की सहायता से आप ध्रुव तारा देख सकते हैं, और ध्रुव तारा कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है और वो हमेशा नॉर्थ में होता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अच्छा, यानी कि ये क्या बन गया, कंपास। तो ये कंपास बना दिया गया डायरेक्शन देखने के लिए, तो ये रात को आपको ध्रुव तारा दिखा सकता है। ये सामने वाला जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बना हुआ देख रहे हैं इसका नाम है यंत्र राज, और ये जो यंत्र बना हुआ है ये नाइट में वर्किंग करेगा, मून लाइट में। रात को स्पेशल परमिशन लेकर इस इंस्ट्रूमेंट को देखा भी जा सकता है, ये रात को सभी ग्रह नक्षत्रों की जानकारी आपको दे सकता है, ये नाम तक बता देगा कि आप यहाँ से इस टाइम कौन सा स्टार देख रहे हैं। अच्छा, बट ये कैसे वर्किंग करेगा ये हम आपको दिखाने के लिए उसके पास में चल रहे हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो देख रहा है, प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर सर्कल बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ये कंप्लीट सर्कल हो गया 360 डिग्री, इसके बीच में बारीक बारीक लाइनें खींची हुई है जो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता रही है। ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है जिसे हम नॉर्थ पोल कह रहे हैं, और हम थोड़ा नजदीक चलते हैं इसके, तो नॉर्थ पोल ऊपर दिखाया गया है जहां से लाइनें शुरू हो रही है, नीचे साउथ पोल है, और बीच में जो होल आप देख रहे हैं वो इक्वेटर लाइन है, और इसके अंदर हिंदी में लिखा हुआ है बारीक राइटिंग में, और सभी स्टार्स के नाम भी लिखे हुए हैं।
अब रात को कैसे वर्किंग करेगा, इसके बीच में जो होल देख रहे हैं आप, इस पर टेलीस्कोप लगाया जाएगा। टेलीस्कोप लगेगा परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल लॉन्ग टेलीस्कोप लगेगा। फिर इस टेलीस्कोप को धीरे धीरे टिल्ट किया जाएगा और फिर टेलीस्कोप के थ्रू आप स्काई में देखेंगे। तो टेलीस्कोप से जो भी स्टार दिखेगा आगे उसका नाम आ जाएगा कि आप किस स्टार को देख रहे हैं। चलिए हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। शैडो छोटा और बड़ा होता रहेगा डिपेंड ऑफ सीजन। क्यों सर? बड़ा तो बीच में पाइप लगा हुआ दिख रहा है निडिल, इसका शैडो गिरेगा। ये आपको टाइम बताएगा 24 आवर्स का। रात को मून लाइट पे चलेगा और डे में सनलाइट। और समझ लो मून तो 15 दिन नहीं रहता, उसके बाद नहीं नहीं सिर्फ अमावस्या को नहीं रहता बट 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। अच्छा ये घड़ी की खास बात ये है कि ये घड़ी काम करेगी ओनली 6 महीने। अच्छा 6 महीने बाद ये घड़ी बंद हो जाती है मैडम, क्योंकि अपना जो अर्थ है ना वो घूम रहा है, पूरा घूमता है। तो अर्थ जब घूमेगा तो सन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके पीछे हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपका समर क्लॉक हो गया और वो आपका विंटर क्लॉक हो गया। जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बना हुआ देख रहे हैं, हमने आपको सबसे पहले जो घड़ी बताई थी टाइम देखने वाली फर्स्ट वाली क्लॉक, वो हमें टाइम बताता है 20 सेकंड तक। मतलब वहां पे एवरी 20 सेकंड में शैडो चलता है और ये उसी घड़ी का बड़ा रूप बना दिया गया। ये उसका 10 गुना बड़ा है, यानी 10 times बिगर। ये दुनिया का सबसे बड़ा घड़ी बन गया और ऐसा घड़ी पूरी दुनिया में कहीं पे बना हुआ नहीं है। और इसका एक्यूरेसी 2 सेकंड, मतलब यहाँ पे जो शैडो जो चलती है वो एवरी 2 सेकंड में चलती है। इधर भी मार्बल लगा हुआ देखिए, राइट एंड लेफ्ट साइड में 2 मार्बल लगे हुए हैं। इधर वाला मॉर्निंग टाइम बताएगा और इधर इवनिंग। आप आइए जरा सा, और इस बीच में दीवार बना हुआ दिख रहा होगा आपको, और इस दीवार की शैडो हमको देखनी है। तो इस दीवार की शैडो जो है वो देखिए अंदर व्हाइट मार्बल पर नजर आ रही होगी आपको। और जहां पे वो शैडो आप देख रहे हैं वो एवरी 2 सेकंड में चलती है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं जंतर मंतर में, यहाँ पे 12 इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं और सबके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। जैसे कि हम इस पर फोकस डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे ही यहाँ पे 12 यंत्र बने हुए हैं और ये सभी अलग अलग राशियों के बने हुए हैं। ये 12 राशियां बना रखी है जिसको राशि चक्र बोला जा सकता है। और यहाँ पे समय समय पे एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर और पंडित लोग यहाँ आते रहते हैं और वो लोग यहाँ से जन्म पत्री, कैलेंडर, पंचांग और हॉरोस्कोप बनाते रहते हैं, जिससे हमने राशि मालूम की थी। वो जो राशि वाला यंत्र था उसको कटा हुआ था 2 पीस में और ये 1 पीस में है। मतलब ये क्या बनाया ट्रायल, बाद में उसको रियल बनाया उधर। और बीच में जो रिंग लगा हुआ दिख रहा है 2 रिंग्स, ये रिंग पहले घूमता था, इसको घुमा के और क्या देखेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि अपना अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे कितना डिग्री टिल्ट है, जिससे कभी समर हो जाता है कभी विंटर, कभी रातें बड़ी हो जाती है कभी दिन छोटे, कभी दिन बड़े तो कभी रातें छोटी हो जाती है। ये अर्थ के एंगल की वजह से होता है। तो ये हम यहाँ से अर्थ का एंगल देख सकते हैं बट अभी इसको ताला लगा दिया, बीच में क्लिप लगा हुआ है, ये यंत्र घूम नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग बैठ के झूला झूलते थे, इसलिए इसको ताला लगा दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट जो आप बना हुआ देख रहे हैं सर, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रामा यंत्रा बी, देन कॉम्प्लीमेंट्री 2 पार्ट है उधर बना हुआ है। ये 2 बने हुए हैं, यानी कि इधर का जो बीच का जो मिसिंग मार्बल आप देख रहे हैं वो वहां पार्ट ए में है, पार्ट ए का मिसिंग मार्बल पार्ट बी में है। और ये हमें बताएगा ऑल्टीट्यूड एंगल, ऑल्टीट्यूड मीन्स हो गया हाइट अबाउ द होराइजन। तो ऐसे घूमगा तो ये हो जाएगा आपका रोटेशन। तो ये लैटिट्यूड बता रहा है, ये लॉन्गिट्यूड बता रहा है। तो शैडो जब पूरा घूमेगा तो इसको पूरा घूमने में लगेगा 24 घंटे, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट।
और जब इस पाइप की शैडो मिसिंग मार्बल में आ जाएगा यानी खाली जगह में, फिर इसका सेकंड पार्ट काम करेगा। ये किसका रफ मॉडल है जो आपने समर और विंटर वाली जो क्लॉक मैंने आपको बताई थी, ये उसका रफ मॉडल है यानी डेमो। तो राजा जयसिंह ने हर चीज का पहले डेमो बनाया, प्रोटोटाइप बनाया, उसके बाद में रियल बनाया गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जयपुर का उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो यप, थैंक यू, बाय बाय।